स्टूडेंट्स, नाउ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का हम कंसेप्ट पहले ही थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी मैनेजमेंट किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए बनाती है। तो हम कह सकते हैं लाइक अ डेफिनेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डेलिबरेटली डिजाइंड बाई मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो कि इंटेंशनली हमारी मैनेजमेंट डिज़ाइन करती है किसके लिए? गोल्स को अचीव करने के लिए। एक हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, मान लो स्कूल का। तो हमने स्कूल ओपन किया, मेन पर्पज़ क्या है इसको ओपन करने का? मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग एजुकेशन। तो हमने प्लानिंग की कि हमें स्कूल ओपन करना है एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए। यू नो दैट आफ्टर दिस प्लानिंग वी परफॉर्म द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सो वी मेक डिफरेंट, वी आइडेंटिफाई डिफरेंट एक्टिविटीज विच विल बी परफॉर्म्ड इन द स्कूल एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड। एंड यू नो दैट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइंड द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप का मतलब क्या था? दैट हु विल रिपोर्ट टू हुम, कौन बॉस है, कौन आपका सबॉर्डिनेट है। नाउ हम इस एक स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गिव इंस्ट्रक्शन टू द प्रिंसिपल, देन प्रिंसिपल टू द वाइस प्रिंसिपल, एंड वाइस प्रिंसिपल गिव इंस्ट्रक्शन टू द कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स प्री प्राइमरी विंग का, प्राइमरी विंग का, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी विंग का, उनके अंदर हमने डाल दिए डिफरेंट टाइप्स के टीचर्स। सो दिस स्ट्रक्चर फॉर्म एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इंडिकेट्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम कि राम स्पाइस, एक केस ले सकते हैं, राम स्पाइसेस लिमिटेड आर मैन्युफैक्चरर ऑफ डिफरेंट स्पाइसेस। राम स्पाइसेस लिमिटेड यानी स्पाइसेस मसाले, उनकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी राम की, और राम उसका ऑनर यानी मालिक था। उन्होंने क्रिएट किए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, परचेज का, प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का, एट्सेट्रा, और इंस्ट्रक्शंस दी उनके डिपार्टमेंटल हेड्स को कि एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म करनी है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए ताकि उनके गोल्स अचीव हो जाएं। नाउ द स्ट्रक्चर डिपिक्ट्स हियर इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी फंक्शनल और डिविजनल। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है? ये फंक्शनल भी हो सकता है और डिविजनल भी हो सकता है। अगर एक कंपनी केवल एक ही प्रोडक्ट बना रही है या फिर उसकी डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ बना रही है, देन वो जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर सकती है। एंड अगर एक कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है तो वहाँ पर वो डिविजनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर सकती है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है? फंक्शनल भी हो सकता है और डिविजनल। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? अब फीचर्स क्या होंगे? सबसे पहले हमने क्या कहा था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिज़ाइन होता है? डेलिब्रेटली और इंटेंशनली। ये फोर्सफुली डिज़ाइन नहीं होता या फिर अपने आप जो है कर नहीं होता, इसको एक मैनेजमेंट को या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को खुद को ही इस्टेब्लिश करना होता है। सो इट इज़ डेलिब्रेटली और इंटेंशनली डिज़ाइन बाय द टॉप मैनेजमेंट। क्यों करते हैं हम? फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर हमने ये स्ट्रक्चर डिफाइन किया तो यहाँ पर हम साफ साफ दिखाई दे सकता है कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन बॉस है, कौन सबॉर्डिनेट है, और एक्टिविटीज़ हमने जो है उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ एक्टिविटीज़ प्रॉपरली स्मूद चल पाएंगी। तो फर्स्ट फीचर क्या हुआ कि ये स्ट्रक्चर इंटेंशनली या फिर डेलिब्रेटली डिज़ाइन किया जाता है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा में जानबूझकर। इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन अमंग डिफरेंट जॉब पोजिशंस एंड क्लैरिफाइज हु हैज़ टू रिपोर्ट टू हुम। ये स्पेसिफाई करता है रिलेशनशिप की कौन बॉस है, कौन सबॉर्डिनेट है। तो यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बॉस है किसका? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल बॉस है वाइस प्रिंसिपल का। वाइस प्रिंसिपल इज बॉस ऑफ ऑल द कोऑर्डिनेटर। एंड इट इज क्लियरली डिफाइंड दैट हु विल रिपोर्ट टू हुम, किसको किसे रिपोर्ट करनी है, किसको किसे इंस्ट्रक्शंस देनी है। Now the third one is, it places more emphasis on work to be performed than interpersonal relationship among the employees. कि formal organization structure में mainly केवल काम पर ही ध्यान दिया जाता है, आपस की interpersonal relationship पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। Next, it is a means or method to achieve the objective specified in the plans
एज इट लेज डाउन द रूल्स एंड प्रोसीजर असेंशियल्स फॉर देयर अचीवमेंट. यानी ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो हमारे प्लान में हमने डिसाइड किया था, स्पेसिफाई किए थे, उन्हें अचीव कर सकते हैं. क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जब भी हम अपना ओपन करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर स्मूथली वर्किंग के लिए हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाते हैं. सो इट इज़ अ मेथड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट इज एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड, इंटरलिंक्ड एंड इंटीग्रेटेड थ्रू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अब हमने देखा था देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जैसे कि हमारा प्री प्राइमरी विंग है, प्राइमरी विंग है, सेकेंडरी विंग है, सीनियर सेकेंडरी विंग है, देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. तो क्या कहता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड दीज मस्ट बी इंटरलिंक्ड एंड इंटीग्रेटेड. सो आई थिंक इट इज क्लियर.